वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। सर्दियों में ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोंद को घी में फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। हमें गोंद को अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाता है। गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है जो वेट में 200 ग्राम है। हमें इसे हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। हमें इसे लगातार चलाते हुए सेकना है ताकि हमारा आटा जले नहीं। हमारा आटा अच्छे से सिक चुका है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैं गरम-गरम आटे में ही किशमिश, काजू और बादाम डालूंगी। मैंने काजू और बादाम को थोड़ा सा कूट लिया था। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इन्हें मिक्स कर लूंगी। मैं अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल लूंगी। अब मैं उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालूंगी। ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। हमें गुड़ को लो फ्लेम पर मेल्ट करना है, नहीं तो ये जल सकता है। हमें गुड़ को इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए मेल्ट करना है। आप इसे फटाफट करें, नहीं तो आपका गुड़ जल सकता है। हमें गुड़ के मेल्ट होते ही फ्लेम को जल्दी से ऑफ कर देना है, नहीं तो हमारे लड्डू कड़क बनेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम रोस्ट किए हुए आटे में नारियल डालेंगे। मैंने नारियल के गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में करके ग्राइंड कर लिया था। ये वेट में 250 ग्राम है। अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ गोंद भी डाल दूंगी। मैं इन्हें मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ डाल दूंगी। मैं इन्हें चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये हल्का गर्म है, मैं इसके लड्डू बना लूंगी। हमें इसके हल्के गर्म में ही लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ठंडे होने पर इसके लड्डू बनेंगे नहीं। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे और इजीली बन रहे हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। देखिए हमारे कितने सारे लड्डू बन गए हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ।
देखिए ये कितने अच्छे बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं। आप इन सर्दियों में ये गोंद के लड्डू ज़रूर बनाइएगा और कैसे बने ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।